हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवेश शुक्ला है और मैं पार्टनर हूँ ICICI डायरेक्ट के साथ में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड रेसर में कैसे आप अपने स्क्रीन को मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई भी नई चीज़ ऐड करनी है, कोई भी कुछ चेंज करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने अपने हिसाब से लगा रखा है, मेरे को यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखना है और नेट चेंज देखना है। इसको हम चाहें तो ऐसे करूँगा तो नेट चेंज यहाँ आ जाएगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस वहाँ चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं ऐसे इसको कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि हम अपनी स्क्रीन को कैसे मॉडिफाई करेंगे। आप किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर राइट क्लिक करिए, कस्टमाइज़ में जाइए। अब जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है, मुझे चाहिए कि जब ये अप ट्रेंड में जाए तो इसका कलर दूसरा दिखे। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं कोई भी लाइट कलर जैसे इसको चूज़ कर लेता हूँ, अप्लाई, ओके। ये देखिए यहाँ पे इसका कलर ये चेंज हो गया, ठीक है। पर ये कलर अच्छा नहीं है, सबसे बेस्ट जो कलर है वो ब्लू ही है। मैं वापस इसको ब्लू कर दूंगा, ये आपका ब्लू हो गया। अप्लाई, ओके, तो ये ब्लू हो गया। अभी इसके फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं, ये फॉन्ट साइज एकदम बेस्ट लगा रखी है मैंने। आप कैसे इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, फिर से आपको कस्टमाइज में जाना है। इसी में ही आपका फॉन्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे थ्री डॉट रहता है वहाँ पे। अब यहाँ से आप कोई भी अपने मनपसंद का इसमें जो फॉन्ट है वो लगा सकते हैं। मैंने ये लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने बोल्ड कर दिया है, इसकी साइज़ मैंने 18 रखी है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ 16, ओके, अप्लाई, ओके। तो ये देखिए थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बेहतर दिख रहा है इसमें। अब एक चीज़ और है कि जैसे ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, मेरे में इतना ही क्यों, आपके में बहुत सारा कुछ दिखा रहा होगा अलग अलग चीज़ें। अभी जैसे मैं इसमें से कुछ हटाना चाहता हूँ, जैसे मेरे को वॉल्यूम हटाना है यहाँ से, मेरे को वॉल्यूम नहीं चाहिए, परसेंटेज चेंज नहीं चाहिए, जो भी चीज़ मेरे को हटानी है या कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा। उसके लिए आपको डायरेक्ट राइट क्लिक करना है, फिर से कहीं भी रख के उसके बाद आपको जाना है कॉलम प्रोफाइल में। कॉलम प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सेलेक्टेड आइटम है और ये रिजेक्टेड आइटम है जिनको मैंने हटा दिया है, ठीक है। अभी मेरे को इसमें से दूसरी चीज़ भी हटानी है कुछ, जैसे मैं यहाँ से क्या हटाऊँ, 52 वीक लो मेरे को हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे मूव कर दूँगा तो ये हट गया, ये यहाँ पे आ गया। और इसको फिर सेव कर देना, सेव, यस, तो ये सेव हो गया। यहाँ पे इसने मेरा लगता है पूरा ही चेंज कर दिया। हाँ, इसको मेरे को दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा, वो मैं कर लूँगा। आप डायरेक्ट इसको यहाँ से ऐसे, क्लोज प्राइस है, ओपन प्राइस है, ये सब आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से सेव नहीं करूँगा, बंद कर दूँगा तो ये सेव चेंज नहीं होगा। अभी मैं वापस जाता हूँ और मार्केट वॉच में जाता हूँ, अपने शिवेश में जाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ये मेरा वापस से वही आ गया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नेम कैसे चेंज करना है इसका। नाम चेंज करने के लिए जब भी आप इसमें कोई भी नई स्क्रिप्ट, जैसे मैं ऐड करता हूँ इसमें, मान लीजिए एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, ऑप्शन ऑप्सीडिक्स, मैं फ्यूचर ही ऐड कर देता हूँ डायरेक्ट इसमें, ऑप्शन में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे यही आ गया, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ये स्क्रिप्ट ऐड हो गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ तो वो बोल पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं क्या, मैं बोलूँगा यस। उसके बाद ये आ गया ऑप्शन, अब यहाँ से मैं इसका नेम चेंज करके दूसरे नाम से भी सेव कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को यही रखना है और मुझे अभी इसको एग्जिट नहीं करना है। इसको मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे गया मैं वापस, अपने नाम का ये खोला, अप्लाई कर दिया, ये मेरा विंडो यहाँ पे ओपन है। जब आप क्लोज करेंगे तब आपको सेव करना ज़रूरी है, नहीं तो जो भी आपका चेंज किए हैं वो आपका चेंजेस सेव नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ही है ट्रेड रेसर के बारे में। और हाँ, और यदि ट्रेड रेसर के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये ट्रेड रेसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फाइल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग, तो इसमें देख सकते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं वो F1O का बास्केट ऑर्डर है, ठीक है। उसके लिए कंट्रोल F10 आपको प्रेस करना रहता है, वो आपके सारे शॉर्टकट कीज यहाँ पे दिखते हैं। तो इतना ही है, बेटी डिस्टर्ब कर रही है, तो अभी के लिए इतना। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बता दूंगा।
तो बस इतना ही अभी के लिए, थैंक यू।